हे गाइस, आज है 13 तारीख और हम तीनों रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। आज हमने करनी है शॉपिंग। अभी बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में सभी लोग हो चुके हैं तैयार, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और अब हम निकलते हैं मार्केट की ओर और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ का मार्केट कैसा है और किस प्राइस में कौन सी चीज़ मिलती है। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहे। चलो पापा, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, आप नहीं आ रहे हो क्या? चलो ये जूते में कंफर्टेबल है। बड़ी मम्मी चाची को अंदर रख लो, किसी बच्चे का बच्चे तोड़ दिया वो। हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा है बेटा, वो भी है आराध्य। तोड़ दिया किसी ने, है ना? ठीक, चलो भाई। तो गाइस, अब हम जाएंगे यहाँ के डी मार्ट में। कौन सा बाजार? रैनक बाजार। मैडम ने आपको बता दिया है कौन सा बाजार जाना है? रैनक बाजार, रेनका बाजार, रैनक बाजार। हाँ, आज कराने वाले हैं ये, जो कि एक महीने के कमाते हैं 50,000 रुपया। और आज ही हमें कराने वाले शॉपिंग, और हमारा कान्हा कराने वाला है इसको सीमा में शॉपिंग। और हम लोग चले गए हैं। आप पीछे बोल रहे हैं, आई एम जस्ट किडिंग यू। क्या हुआ? किधर को? मुझे भी नहीं पता, थोड़ी थोड़ी जगह उधर को तो नहीं है दीदी, आगे को भी तो है, इतनी भीड़ जा रही है। बोले इसी को, वो भी आएंगे ना हमारे पीछे, देखो फोन ले चलेंगे, फोन कर लेंगे। हे गाइस, अंकल ये क्या है? सिंघाड़े हैं बेटा, सिंघाड़े फल। चलो चलो, यहाँ को नहीं है ना, यहाँ वहाँ से आगे भी चली गई। आराध्या आ जाओ यार, दी भाग जा रही है, मैं क्या करूँ। तो अभी उसको पड़ी नहीं पड़ी आज तुम लोगों की वजह से ऐसा कर रही है। फिर नहीं थे स्वेटर वालों के वहाँ राधिया इधर आ बेटा, जल्दी आ जा मेरे पास। इससे बड़ा तो बोर्ड हुआ है, हुआ जो पहले दिखाया।
अच्छा वही सही था ना फिर ये बढ़ते बच्चे ये बड़ा एक नंबर इससे बड़ा। ठीक है गाइस हमने कर ली है काफ़ी सारी शॉपिंग और रात होने लग गई है, अब हम जाने लग गए हैं घर की ओर। और ये है पूरा यहाँ का मार्केट और मार्केट का व्यू। रुक जाना घूम जाए ऐसे टर्न कर लेती। आधी रुक जा गाड़ी आएगी। दो गेट हैं इसके, एक से घर रहा इधर से भी लगाया हुआ। लगाए कैसे हैं सबने देखे माल है जादू का नहीं पता घर। क्या हुआ खाते हुए मुझे बोले चाची ने हमने ले क्या ले रखा है। हे गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर और घर जाने के बाद बच्चे कर रहे हैं कपड़े ट्राई और मैं देखती हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। घर आते ही दोनों लग गए हैं किचन में काम करने में। गब्बू आज बहुत चिड़चिड़ा हो गया क्योंकि पूरा दिन गोद में था और वो बिल्कुल सोया भी नहीं है। इसको दिखाओ। सॉरी गिम्मू। शॉपिंग करने के बाद गम्मू का चेहरा। हाय गाइस तो उसका ध्यान अपने मिल्क पे है। हाँ उसका ध्यान खाने अपनी उसको प्यास लगी है बहुत ज़्यादा इसलिए वो पानी की तरफ देख रहा है। मैडम जी लग गए हैं खाने की तैयारी में। खाने की तैयारी में आज खाना बाहर से आ रहे हैं मक्के की रोटी। हाँ, आज मक्के की सरसों का साग अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे पंजाब का फेमस मक्के की रोटी सरसों का साग। हाँ ये अभी रख के आई है ऑर्डर क्या कोई वाले चाची लोग ने अपने लिए इयररिंग्स के ये और ये मानवी अपने लिए काफी ज्यादा शॉपिंग करके आई है और ये आप कपड़े पहन के दिखाएगी गुस्सा हो रखा है।